हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। इस वीडियो में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं बच्चों, वह है आपका पत्र लिखना। ठीक है, जो संस्कृत में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र हैं इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, लगभग ग्रामर सेक्शन आपका मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाकर उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो पत्र मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, यह है उसका आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, हम उसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा कीमती है। तो यहाँ पर आपको एक पूरा पत्र दिख रहा है, लेटर दिख रहा है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसमें आपको भरने के लिए शब्द ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, वो शब्द मैं पहले आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे आपको चार टोटल रिक्त स्थान भरने हैं। पहला आपका पंचम, फिर श्रोता रहा, फिर आपका सर्वे, फिर आपका मया। इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए और इन शब्दों का हम यूज कहां कहां करने वाले, ये आपका टोटल पत्र है। अब इसको मैं सीधा आपको पूरा भरा भराया दिखा देता हूं। ठीक है, और पूरा हम एक बार पूरे पत्र को पढ़ लेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, देखो, प्रिय मित्र राकेश, नमस्ते। विगत जून मास से पंचम, ये आपका पहला शब्द यूज हो गया, पंचम। जून मास से पंचम, यानी डेट बता रखी है, जून महीने की 5 तारीख को अस्माकं विद्यालय पर्यावरण दिवस से आयोजनम अभवत। अस्मिन् आयोजने सर्वे सर्वे गुरुः, यानी सभी अध्यापक छात्रश्च उपस्थिता आसन। पर्यावरण विषय माधिकृत्य मया, फिर देखो यहाँ पे मया स्वरचितम काव्य पाठम कृतम। ठीक है, मैं या मेरे द्वारा सुर, देखो तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया तीन। फिर आपका सुर चिक्रम काव्य पाठम श्रुत्वा सर्वे श्रोतारा महा माम प्रसति प्रसित बनता। ठीक है, यानी श्रोतार मतलब जो सुनने वाले थे, उन्होंने सभी ने मेरी क्या की क्या करते हैं तारीफ की। अग्रे तब कुशलम इक्षामि भवता मित्रम मंजुल। ठीक है, तो ये आपने देख लिया टोटल कहां पर क्या आएगा। आई होप अब ये आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। लेकर चलता हूं आपको अगले वाले पर। नेक्स्ट जो आपने देखना है बच्चों, वो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको शब्द दिख रहे हैं वो आपका ग्राम में जनानाम अतिवृष्टि कारणात निविदनी विद्यते, फिर आपका ध्वस्तानी। ठीक है, तो इन शब्दों को आपने भरना है। आपको जो पत्र दिया गया है, आप ये पत्र देख पा रहे हैं खाली, इसको भी आप पहले आप इसको देख मतलब पहले आपको देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आंसर से, फिर आपने ये सिंपल स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें खुद से इसको भरना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर इसका मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको ऊपर, तो आपका ये आ जाएगा पूरा टॉपिक। देखो सेम टू सेम, सेवायाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड शासनम देहरादून। ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है सविनयम निवेदते। ठीक है, यानी सविनय निवेदन इस प्रकार है कि यत मम जनपदे अतिवृष्टि, यानी ओला पड़ने के कारण अतिवृष्टि कारणात महती आपदा आगता, मम ग्राम अति आपदा ग्रस्त जाता, जननाम भवनानि ध्वस्तानि जातानि, फिर आपका महती जन धन हानि अपि अभवत, कृपया शासकीय सहायता ग्राम में जनानाम गांव के लोगों को सहायतां अकुर्वन्तु, महती कृपा भविष्यति भवति है समस्त ग्राम जनः बड़ोनी ग्राम से रुद्रप्रयाग जनपदः। तो ये आपने इसका पूरा आंसर देख लिया। अब ये आंसर देखने के बाद इसको आपने खुद से भरना है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपने फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ऐसे सारे देख लेने। इसके बाद जो आपने अगला देखना है, अब आपके सामने जो शब्द है वो आपका प्रतिभागम अस्माकम भृशम शक्नोमि स्मार, यानी आपके लगभग टोटल 4 नंबर का ये आपका आता है पत्र। तो इसका आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग आपका प्रिय मित्र दीप का, अस्माकं विद्यालय एका चित्रकला प्रतियोगिता समायोजिता, अस्मिन् प्रतियोगितायां नगरस्य अनेके विद्यालयं प्रतिभागम् अकुर्वन्, मम कलह कृति निर्णायके है भृशं प्रशंसिता, किंतु अहम प्रथम स्थानं प्राप्तुं न शक्योमि शक्नोमि स्म, मया द्वितीय पुरस्कारम प्राप्तो कन्या विद्यालय से छात्रा है सुजाता है प्रथम अर्जितवना। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। इसमें आप देख लीजिए अस्माकम कहाँ पे आएगा, प्रतिभागम सग्नोमी सा वृषम। ठीक है, तो ये आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, फिर जब आप इसको याद कर लेंगे तो यहाँ पे आपको उसमें खुद भरना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला। अब यहाँ पे टोटल आपको कितने दे रखे हैं, देखो शब्द आपको दे रखे हैं 1 2 3, टोटल 10 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द हैं। तो अभी आपके 8 नहीं आते हैं, 4 ही आते देखने को, बट फिर भी एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो हो सकता है 4 ही दें, बट फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, पहले मैं इसको पूरा आपको आंसर दिखा देता हूँ, उसके बाद ये आपका सॉरी ये आपका जो है दूसरा है। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको कितने भरने थे, 8, और एक आप ये वाला देख लीजिए। ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ आप देख लीजिए कौन कौन से शब्द भरने हैं आपको, प्राप्तम अंकान साधुवादान, फिर आपका काम है। ठीक है, और लास्ट में आपका प्रिय मित्रम भी देख लीजिए कहाँ पर आएगा। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, भवतः परीक्षा असफल
प्रत्रम अधुनय प्राप्तम भवतः उत्तीर्णता ज्ञातवा मही अति संतोषा अस्ति अहोरात्रम प्रयासम विधाय भवान 95 प्रतिशतम अंकान लब्धवान त्वं मम परिवार जन से साधु वादान अहर्षति पत्र समाप्त हो तुभ्यं पुनः वर्धपनम कामे पितृभ्याम सादरम नमः भवतः प्रिय मित्रम आभासा। तो ये आपने देख लिया ठीक है। तो जितने आपको मैंने पत्र दिखाए इसको आप खुद से भरने की कोशिश करिएगा। अभी जो मैंने आपको एक दिखाया ठीक है, इस ये ऊपर शब्द आपको दे रखे हैं, इनको आप खुद से भरने की प्रैक्टिस करिएगा ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने पत्र आपको दिखाए हैं ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जितने आपको टॉपिक बता रहा हूँ इन सभी को आप अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।